हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी छात्रों का एक बार फिर से इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी के इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है अनअकैडमी यूपी एग्ज़ाम। यहां पर आपको यूपी एग्ज़ाम से रिलेटेड सारे चीज़ों की तैयारी कराई जाती है। और स्वागत है आप सभी छात्रों का, जितने भी छात्र यहाँ पर लाइव आ चुके हैं मोस्ट वेलकम है सभी छात्रों का। रेहान, कुलदीप श्रीवास्तव, प्रेम देवी, बिहान, तनिष, रेहान एंड बिहान, आप लोग रेगुलर रहते हो, वेरी गुड। कुलदीप, मनोज राठी, स्वागत है छात्रों का, वेरी गुड। चल रही होगी और आज है 30 तारीख मई और आपके पास 25 दिन बचे हुए हैं, 26 और 27 को पेपर है, ठीक है। और हिंदी में कम से कम 40 प्लस का आपका टारगेट होना चाहिए। बहुत सारी क्लासेस चलाई गई हैं, आगे भी चलती रहेंगे एग्जामिनेशन तक, लेकिन आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है, तैयारी करना है। तो चलिए फटाफट आप लोग एक बार वीडियो को शेयर कर दो, शेयर कर दीजिए फटाफट एक बार वीडियो को, लाइक और शेयर कर दीजिए, फिर क्लास की हम शुरुआत करते हैं। बहुत ही धमाकेदार क्लास कल भी मैंने आपको पढ़ाया था मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्यायवाची पर, और कल 40 क्वेश्चन मैंने कराया था, है ना। चलिए स्वागत है सभी छात्रों का, मोस्ट वेलकम है सौरभ यादव, साजिद हुसैन, अब्दुल खान, वेरी गुड इवनिंग, प्रणाम, बिहान सैनी, चलिए मोस्ट वेलकम है। तो क्लास की शुरुआत करने से पहले एज यूजुअल जैसा कि हम आप सभी छात्रों को जानकारी देते हैं कि अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म से जुड़कर आप घर बैठे यूपी पीसीएस की कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं मात्र 7,000 रुपये में। कंप्लीट तैयारी, फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो चुका है, ये आपका 2024 का यूपी पीसीएस, आपका सपना है डिप्टी एससी बनना, आपका सपना है ना एसडीएम बनना, तो ये आप तैयारी करने कर सकते हैं अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर। ये कंप्लीट फीस है, 12 माह की फीस है, ये 24 माह की, ये 2 साल का पैकेज है, ये 1 साल का पैकेज है 7,599, जिस पर कि ये कूपन कोड लगाएंगे, हमारा कोड है सक्सेस मंत्रा, जिस पर कि आपको 10% की एक्स्ट्रा छूट भी मिल जाएगी, जिसमें सब कुछ आपका इंक्लूड रहेगा, है ना। प्री मेंस आंसर राइटिंग हो गया, आपका इंटरव्यू गाइडेंस हो गया, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेगी। तो स्वागत है मोस्ट वेलकम में, सारी जानकारी वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और आपके सामने ये जो बैचेस चल रहे हैं, आप इसको इंडिविजुअली बैचेस में इनरोल कर सकते हैं। ये कंप्लीट बैच है यूपी पीसीएस का, ये समर्थ बैच है, जीएस पेपर थर्ड का है ना, मंजिल बैच है। तो ये सारी क्लासेज आप उसी फीस में पढ़ सकते हैं, मकसद हो गया, चैंपियन हो गया, बहुत सारे चीज़ें पढ़ने पठन पाठन के लिए अवेलेबल है, बहुत सारे फायदे हैं अनअकैडमी के। स्वागत है, चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। और कल के क्वेश्चन में किसी छात्र को कोई डाउट हो तो बताना भाई। हिंदी में गद्यांश पद्यांश देखो, उसमें पढ़ाने को कुछ नहीं होता है, दिए गए पैसेज पर उसको छांटना होता है, उसका भावार्थ 1 से 2 क्लास बहुत है, क्योंकि उसका आंसर आपके आंखों के सामने दिया होता है, ठीक है। कैसे उसमें से आंसर निकालते हैं, 2 क्लास बहुत है, वो मैं पढ़ा दूंगा, उसके लिए परेशान मत हो। अभी जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो इसका आंसर है ना, जो पढ़ना चाहिए, जिसमें मेहनत, वो आपको मैं करा रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। चलिए तो 2 क्लास दूंगा गद्यांश पद्यांश पर, बिल्कुल परेशान मत हो, कैसे उसके गद्यांश निकालते हैं, उसका भावार्थ क्या होता है, इसका इस प्रश्न का जवाब दीजिए। पहला प्रश्न है आज का, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मछली का पर्यायवाची है। देखो मछली का पर्यायवाची क्या होता है, मछली का मीन होता है, मत्स्य होता है ना। इसके साथ ही साथ आप देखोगे क्या होता है, बताइए मछली का पर्यायवाची कौन सा है, ठीक है, कमेंट करिए। इसको जल जीवन भी कहा जाता है भाई, ठीक है जी हाँ। यहां पर देखो छस, ये भी मछली का पर्यायवाची है, के की यहां पर नहीं होगा, मयूर इसके जलद ही नहीं होगा, समुद्र की बात है, मरीची भी नहीं होगा, छज हो गया। साथ ही साथ इसको जल जीवन भी कहा जाता है, मछली भी कहा जाता है, मीन भी कहा जाता है, मत्स्य भी कहा जाता है, ठीक है। ये सब आपके मछली के पर्यायवाची के तौर पर आते हैं, ठीक है। जीके की क्लास हम क्यों नहीं लेते हैं, सौरभ यादव, बिल्कुल जीके क्लास पढ़ाएंगे भाई, थोड़ा सा हिंदी कवर कर लें, लास्ट टाइम आप लोग को हम जीके क्लास भी देंगे। दूसरा प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में कौन सा शब्द हंस का पर्यायवाची है। देखिए हंस, अगर हम हंस की बात करते हैं, देखिए जितने भी ईश्वर के नाम होते हैं, भगवान के नाम होते हैं, साथ ही साथ पशु पक्षियों के नाम होते हैं, अब आप यहाँ पर हंस का पर्यायवाची क्या देख रहे हैं बताएंगे। देखिए हंस है ना, हंस मतलब यहाँ पर आपका मराल होता है, मराल का तात्पर्य यहाँ पर हंस होता है, ये भी ध्यान रखना। कुरंग और भुजंग, यहाँ पर नहीं, भुजंग मतलब सर्प होता है, कुरंग मतलब हिरण, ठीक है।
तो यहां पर आपका मराल ये आपके हंस का पर्यायवाची शब्द होगा, ठीक है। मराल, इस बात को ध्यान रखिएगा, ये काफी बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। हाँ, तुम चंदन हम पानी, ये जो लाइनें हैं, और एक है तुम चंदन हम पानी, एक रचना है वो अलग है, जो कल मैंने पढ़ाया होगा अपने चैनल पर, ठीक है। वो लाइनें तो इन्हीं की हैं, लेकिन जो रचना है उसी में एक रचना भी की गई है, उससे कंफ्यूज मत होइएगा। तीसरा प्रश्न देखिए, तीसरा प्रश्न कहता है कलश का पर्यायवाची है, कलश कुंभ घड़ा ये सब आप जानते हो। तो पात्र मतलब तो बर्तन होता है, जल मतलब जल हो गया, उपस्कर का मतलब नहीं है, कलश का मतलब कुंभ हो गया, यहाँ पर घड़ा भी कलश को कहते हैं, कुंभ घड़ा ये सब आपका बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ की ओर बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न देखिए, प्राची, बहुत अच्छा प्रश्न है, प्राची दिया है भाई, प्राची प्राचीन नहीं है, इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है। यहाँ पर आपको प्राची दिया गया है, ठीक है। प्राची मतलब, और इसका पूर्व हो जाएगा, पश्चिम पूर्व वाला मैटर है, प्राची का पूर्व होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। प्राचीन, नवीन, नवीन का प्राचीन होता है, ये भी ध्यान रखना है आपको, लेकिन यहाँ पर प्राची का पूर्व हो जाएगा, प्राची पूरब और पश्चिम के सेंस में यहाँ पर आपका जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है भाई। चलिए वेरी गुड, बी नहीं होगा, प्रज्ञा नहीं होगा, न प्रकृत होगा, पूर्व का नवीन, प्राची प्राचीन का नवीन होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की ओर बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न देखिए, पांचवा प्रश्न कहता है जीभ, देखो भाई बहुत बार ये प्रश्न पूछा जाता है, जीभ इसको हम क्या कहते हैं, जीभ को जीवा भी कहते हैं, क्या कहा जाता है, जीवा भी कहा जाता है, जीभ भी कहा जाता है, रसना भी कहा जाता है, और यहाँ पर क्या है, इसको हम रसना भी कहते हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे, है ना, जबान भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, जीभ हो गया, जीवा हो गया, जबान हो गया, आप यहाँ पर देख सकते हो, और रसना हो गया, ठीक है, ये ध्यान रखना। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, छठा प्रश्न आज का है, कौन सा शब्द निश्चित का पर्यायवाची नहीं है। देखो निश्चित का मतलब क्या होता है, निश्चित, इस बात को ध्यान रखना, है ना। अब इसमें से निश्चित का पर्यायवाची नहीं है, निशा, तम, रात्रि, रजनी। अब निश्चित का मतलब होता है आधी रात्रि का समय, आधी रात का समय, है ना, आधी रात का समय, तो ये रात्रि से ही इसका मतलब है। आप निशा का मतलब भी रात्रि लगाओगे, रात्रि का मतलब ये हो गया रजनी, तम मतलब अंधेरा होता है, अंधकार होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है, बिल्कुल। तम यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, इसका मतलब होता है अंधकार, अंधेरा। अब ऐसा नहीं है कि जब रात्रि होता है तो अंधेरा नहीं होता, बंद कमरे में भी जब आप लाइट बंद रखोगे तो भी अंधेरा हो जाएगा, जहां पर प्रकाश ना पहुंचे, लेकिन रात्रि अपने आप में जब सूर्यास्त हो जाता है, है ना, तो वह रात्रि। तो रजनी, रात्रि, निशा, ये सब आधी रात के समय निश्चित को बोला जाता है। एक शब्द होता है सरवरी, चांदनी रात का समय, क्या होता है, चांदनी रात का समय को हम सरवरी के नाम से जानते हैं, ठीक है। वाक्यांशों के लिए एक शब्द मैंने कराया तो है, आप लोगों को कराया है ना भाई, अगर छूट गया हो तो बता देना, करा दूंगा। क्वेश्चन नंबर सेवन देखिए, सातवां प्रश्न है, अरविंद, अरविंद का पर्याय नहीं है, आपको बताना है। देखो पंकज, कीचड़ में जो खिलता है, पंकज हो गया, अंबुज हो गया, जल में हो गया, लेकिन आप मिलिंद क्या करोगे, मिलिंद मतलब भौंरा होता है, षडपद भौंरा, ठीक है, ये सब इसके होते हैं। ये अरविंद यानी कमल का पर्यायवाची नहीं होगा, ये भंवरा का पर्याय होगा, मिलिंद हो गया, षडपद हो गया, भ्रमर हो गया, भंवरा हो गया, ये यहाँ पर आपका जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए वेरी गुड, और आप सब अच्छे से पढ़िए, बहुत सारे कंटेंट आपको दिए जाएंगे। आठवां प्रश्न देखिए, जनार्दन, देखिए जनार्दन है ना, जनार्दन चक्रपाणी, ठीक है, जनार्दन हो गया, चक्रपाणी हो गया, पीताम्बर हो गया, ये मैंने कल भी बताया था, पीताम्बर हो गया, ये सब किसको कहा जाता है ना, लक्ष्मीपति कहा जाता है, ये सब कहा जाता है भगवान विष्णु जी को कहा जाता है जनार्दन, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। पंचानन ब्रह्म हो गए, यहाँ पर भगवान कृष्ण होंगे नहीं, भगवान राम होंगे नहीं, भगवान राम जी को अजान बाहु भी कहा जाता है, इस बात को ध्यान रखना, ये भी बार बार पूछा जाता है, अजान बाहु घुटने तक जिनकी बाहें लंबी है ना, तो यहाँ से ये प्रश्न आते हैं। तो यहाँ पर आपका भगवान विष्णु जी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
नाइन्थ क्वेश्चन है आज का, नवा प्रश्न देखिए। दैत्य, इसमें से देखो भाई, दैत्य, दैत्य का दानव भी होता है ना, या तो धान भी होता है, अभी मैंने कल बताया, या तो धान भी होता है, राक्षस भी होता है, असुर भी होता है ना, दानव भी होता है, लेकिन यहाँ पर आप क्या करोगे, निशाचर, रात्रि में चलने वाला भी होता है, लेकिन भुशुर यहाँ पर नहीं होगा। इसका तात्पर्य होता है एक तरीके से ब्राह्मण के तौर पर देखा जाता है, भुशुर का तात्पर्य ब्राह्मण होता है। दानव, निशाचर, राक्षस, यातुधान, असुर, ये सब दैत्य, ये सब आपके दैत्य के पर्याय पर आएंगे। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर नहीं होगा, भुशुर को हम राक्षस नहीं बोल सकते, ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग, चलिए वेरी गुड। आगे देखते हैं दोस्तों, आज का दसवां प्रश्न है, जंगल शब्द का पर्यायवाची है, ठीक है, जंगल, जंगल है ना, जंगल यानी कि फॉरेस्ट, तो जंगल शब्द का पर्यायवाची क्या लगाएंगे, कमेंट करके बताइए। कमेंट करिए, बहुत ही धमाकेदार प्रश्न है। और देखो भाई, जंगल आप यहां पर क्या लगा सकते हो, कांतार लगा सकते हो, ठीक है, आप विपिन लिख सकते हो, विपिन हो गया, कांतार हो गया, जंगल तो है ही है ना, वन हो गया, आप ये भी लगा सकते हो, वन, ठीक। तो इस तरीके से इसके जो पर्यायवाची है, जंगल का पर्यायवाची यहाँ पर कांतार हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा भाई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अपना अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, क्वेश्चन नंबर 11 होगा, 11वां प्रश्न है आपके सामने, कौन सा शब्द इंद्र है ना, देवताओं के राजा भगवान इंद्र, 11वां प्रश्न देखिए, इंद्र का पर्यायवाची नहीं है। देखो, इंद्र को पुरंदर भी कहा जाता है, मधवा भी कहा जाता है, शक्र भी कहा जाता है, सचिपति भी कहा जाता है, ठीक है, पुरंदर मतलब किला तोड़ने वाला, सचिपति भी कहा जाता है, इनकी पत्नी का नाम सची सचिपति है ना, सचिपति भी कहा जाता है, लेकिन गणाधिप सेना नायक को कहा जाता है, इसका एक तात्पर्य होता है सेनानायक, सेनानायक, ठीक है, ये ध्यान रखना, सेनानायक। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी गणाधिप नहीं होगा। और एक चीज आपको पता है कि जब आप इतिहास पढ़ते हैं, वैदिक काल में सबसे ज्यादा मंत्र इंद्र को समर्पित है 250, ये याद रखिएगा, प्रश्न आ सकता है, इसके बाद अग्नि को 200 है ना, तो ये सब प्रश्न भी आपके पूछे जाएंगे आपके जीएस के सेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, मीनाक्षी के शब्द का पर्यायवाची है। 12वां प्रश्न देखिए, देखिए मीनाक्षी यहाँ पर पूछ रहा है, ध्यान रखना है आपको, मीनाक्षी, कमेंट करेंगे फटाफट बताएंगे, ठीक है, मीनाक्षी कमेंट करके बताइए। अरण होता है भाई, अरण, अरण, हरण नहीं, अरण, अरण कांड एक था ना आपका रामचरित, अरण मतलब भी होता है जंगल ही होता है, अरण, ठीक है, हरण नहीं, अरण, ठीक है भाई सौरभ यादव, अरण होता है। देखो यहाँ पर मीनाक्षी का मतलब दुर्गा जी से संबंधित है, दुर्गा जी, ये ध्यान रखना, ना मछली है और ना आपका यहाँ पर आपका सुंदरी है, इसका जो तात्पर्य होता है ये आपका चला जाएगा आपका दुर्गा जी से, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलते हैं आगे, अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है 13वां प्रश्न है, चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है, चंद्रमा, देखो चंद्रमा को क्या कहते हैं, महताब भी कहते हैं, मृगलांछन, छपाकर या अमृत द्रव्य, कमेंट करेंगे, बहुत अच्छा प्रश्न है, ठीक है, बिल्कुल। देखिए महताब हो गया, मृगलांछन हो गया, छपाकर हो गया, शश हो गया है ना, ठीक है, अमृत द्रव्य चंद्रमा को नहीं कहा जाता, चंद्रमा का चांद भी होता है, ठीक है, तो इस तरीके से आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, अमृत द्रव्य, इसमें चंद्रमा से कोई सेंस यहाँ पर नहीं निकलेगा, ठीक है ना, दुर्गा जी याद रहेंगी, ठीक है, हाँ मीनाक्षी कहा जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये सब प्रश्न किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए प्रश्न है। एक वात, वात का मीन क्या होता है, हवा होता है, वायु होता है ना, और क्या होता है, पर्यायवाची शब्द नहीं है। आप जानते हो हुताश्र मतलब क्या होता है,
ठीक है, क्या हो जाएगा भाई? जी हाँ, प्रकंपन मतलब भी हवा लगाओगे, हुताश्न मतलब अग्नि होता है, दहक होता है, पावक होता है, वायु शखा होता है, जबकि मारुति, अनिल, प्रकंपन, वायु है ना, ये सब आपके हवा के पर्यायवाची होते हैं। और एक शब्द होता है अनल, अनल मतलब अग्नि होती है, ये भी ध्यान रखना जहाँ पर आपका श्रुति संभिन्नार्थक शब्द पूछा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। 15वां प्रश्न देखिए, मछली, 15वां प्रश्न कहता है मछली। देखो भाई, मछली को हम क्या नहीं कह सकते, एक पर्याय यहाँ पर नहीं है। मीन का तात्पर्य मछली होता है, अंडभव का तात्पर्य मछली होता है, मत्स्य क्या होता है, और जल जीवन भी होता है, छस भी होता है, इसके पहले आया था। लेकिन अंबर मतलब आपका आकाश हो गया है ना, जल अंबर आकाश गगन है ना, ये सब होता है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलिए भाई, ठीक है, बहुत धमाकेदार प्रश्न, प्रैक्टिस करते रहो भैया, प्रैक्टिस करोगे तो परफेक्ट हो जाओगे। पृथ्वी, देखो पृथ्वी का पर्यायवाची नहीं है, आप पृथ्वी में देखोगे अवनि हो गया, इला हो गया, मेदनी हो गया, या लोकमाता हो गया। बहुत अच्छा प्रश्न है ना, बताइए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। थोड़ा सा वीडियो को लाइक शेयर कर दो और थोड़ा सा संख्या बढ़ाओ यार। कमेंट करिए कितने छात्र यहाँ पर बता सकते हैं सही जवाब। देखिए यहाँ पर आपका जो सही जवाब है लोकमाता, ये नहीं होगा। ठीक है, जो छात्र बता रहे हैं अवनी, इला, ये होता है, मेदनी भी होता है, ये लक्ष्मी जी का पर्याय है, माता लक्ष्मी जी के पर्याय है। ठीक है, लोकमाता, ये ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, चलिए आगे देखिए। निम्नलिखित में से 17वां प्रश्न कहता है सौंदर्य का पर्यायवाची नहीं है, उसे चयनित करना है, उसे चुनना है। सौंदर्य, देखो सुषमा, सुंदरता, शोभा, रमणी। अब यहां पर एक शब्द सौंदर्य का पर्याय नहीं है, तीन शब्द सौंदर्य हैं, आप चयन करके बताइए यहां पर क्या होगा, आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। तो ठीक है, सुषमा, सुंदरता, शोभा, रमणी, कमेंट करिए। सुंदरता की बात हो रही है, सौंदर्य आपको ध्यान रखना है, 1/2 की जबरदस्त नेगेटिव मार्किंग है, हाफ नेगेटिव मार्किंग, 2 गलत 1 सही भी गया। देखो रमणी मतलब सुंदर स्त्री होती है ना, स्त्री की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पर सौंदर्य की बात हो रही है, सुंदरता की, तो सुषमा भी होता है, सुंदरता भी होता है, शोभा भी होता है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। चले आगे, आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इस रमणी मतलब सुंदर स्त्री होता है, स्त्री पूछेगा तब आप लगा सकते हो, लेकिन आप सुंदरता पूछ रहा है। 18वां देखिए, राजा का पर्यायवाची नहीं है, राजा, तो भैया राजा है ना, राजा आप देखोगे भूप है, राघव है, राव है और नृप है। अब आप यहां पर क्या लगाएंगे? ठीक है, राजा का एक पर्याय नहीं है, राजा को हम क्या क्या कह सकते हैं? राजा को भूप भी कहा जा सकता है, राजा को राव भी कहा जाता है, नृप मतलब राजा होता है, राघव, रघुपति राघव, राजा राम, ये रामचंद्र जी के पर्याय हैं, राघव। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, सी यहाँ पर राजा के तौर पर हम नहीं देखेंगे, यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। चलिए 19वां प्रश्न देखिए भाई, 19वां प्रश्न है बहन, यानी कि सिस्टर की बात हो रही है, बहन का पर्यायवाची शब्द नहीं है। देखो हम बहन को भगनी भी कहते हैं, बांधवी भी कहते हैं, सहगर्भिणी भी कहते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा, सहगर्भिणी भी कहते हैं बहन को, लेकिन हम यहाँ पर चित्रक यानी कि चीता, चित्रक यहाँ पर ये नहीं कहा जा सकता है ना, चित्रक नहीं होगा, भगनी, बांधवी, सहगर्भिणी, बहन, ये सब बोला जाता है, चित्रक नहीं होगा, यही आपका सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त, 20वां प्रश्न देखिए, 20वां प्रश्न है सरिता का पर्याय नहीं है, 20वां, देखिए सरिता का मतलब क्या होता है? नदी होता है ना, सरिता का मतलब नदी होता है। अब देखो तटनी भी हो गया, निम्नमा भी हो गया, तरंगिणी भी हो गया, त्रिपथगा नहीं होता, त्रिपथगा किसका होता है कमेंट करके बताइएगा है ना, त्रिपथगा। ठीक है, जानवी, देव नदी, भागीरथी, त्रिपथगा,
ये सब गंगा के पर्याय हैं, जबकि यहाँ पर नदी पूछ रहा है, तो त्रिपथ का गंगा का पर्याय है, यही आपका नदी का पर्याय नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, समझ गए आप लोग? चलिए, वेरी गुड। क्वेश्चन है 21। कमल, पंकज, अरविंद, कमल। अब आप यहां पर देखेंगे इसका पर्यायवाची होगा, कमल का पर्यायवाची क्या हो सकता है? ठीक है, कमल कई बार आपसे पूछा जाता है। देखो यहां पर आप देखेंगे इंदीवर होता है, ठीक है, कमल का पर्यायवाची इंदीवर हो गया, कमल का पर्यायवाची पंकज हो गया, अरविंद हो गया, है ना, ये भी होता है आपका अरविंद हो गया। इसके बाद इसके पहले मैंने आपको बताया ही था, ठीक है, तो यहाँ पर जलज, जल में उत्पन्न होने वाला जलज भी कहा जाता है इंदीवर। ठीक, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22। गंगा को हम यह नहीं कह सकते, 22वां प्रश्न है, गंगा नदी को हम किस नाम से नहीं पुकार सकते। देखिए यहाँ पर गंगा नदी पूछा जा रहा है, और गंगा नदी आप देखेंगे चार ऑप्शन दिए गए हैं, विष्णुपदी, सुरधुनी, सुरसरी या हिरम्ब। तो हम हिरम्ब नहीं कह सकते, क्या नहीं कह सकते? हिरम्ब नहीं कह सकते। हिरम्ब किसको कहा जाता है? भगवान गणेश जी को कहा जाता है, गजानंद, है ना, मोदक प्रिय गजानंद। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, गंगा नहीं होगा। ठीक है, विष्णुपदी हो गया, जानवी भी होता है, देव नदी भी होता है, भागीरथी भी कहा जाता है। चले क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं। यमुना के लिए पर्यायवाची शब्द नहीं है। देखो भाई, यमुना के लिए मैंने बताया था अर्कजा, कालिंदी, है ना, यमुना, ये सब पूछा जाता है, भानुजा, कालिंदी, सूर्यसुता भी होता है, जबकि आप दुहासन नहीं कह सकते। ठीक है, समझ गए आप लोग? देख रहे हैं, चलिए कमेंट करिए फटाफट, और किसी छात्र को कोई क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। यहां पर दुहासन नहीं होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 है, विष्णु जी के लिए पर्यायवाची नहीं है। देखिए देवताओं के नाम से प्रश्न बनेगा, कल जो मैंने पढ़ाया था उसमें से प्रश्न मिल रहे हैं आपको। उपेंद्र चक्रपाणी, शेष साई, है ना, पीताम्बर, लक्ष्मीपति, चक्रपाणी, लेकिन आप क्या नहीं कह सकते, आपके सामने है उर्मी। उर्मी मतलब आप इसको प्रवाह के तौर पर आप कह सकते हैं, उर्मी, उर्मी नहीं होगा, उर्मी भगवान विष्णु जी का पर्याय नहीं होगा। ठीक है भाई, समझ रहे हैं आप लोग? तो आप देख सकते हैं कि लास्ट समय जो ये सेक्शन है, पर्यायवाची का हो गया, विलोम शब्दों का हो गया, मुहावरों का हो गया, अगर आप वोकैब के सेक्शन को मिला दोगे तो कम से कम 10 प्रश्न तो यहाँ से बन जाएगा, 10 से 12 प्रश्न इन्हीं सेक्शन से, विलोम हो गया, पर्यायवाची हो गया, आपका अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हो गया, मुहावरे हो गए, यहीं से 10 शब्द बन जाएंगे, तत्सम तद्भव हो गया। ठीक है, हाँ चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 25 देखिए, अगला प्रश्न देखिए, कौन सा शब्द सरस्वती जी का पर्यायवाची नहीं है? कल मैंने बताया था ना सरस्वती जी के अन्य पर्यायवाची में, यहाँ पर देखिए कमेंट करिए, कमेंट करेंगे फटाफट। चलिए तो यहां पर देखेंगे आप शारदा, भारती, वागदेवी, क्या नहीं कह सकते? इंदिरा नहीं कह सकते, इस बात को ध्यान रखें, इंदिरा लक्ष्मी जी का है, इंदिरा लक्ष्मी जी का है, ठीक है, लक्ष्मी जी का नाम है। यहां पर आपका ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा, शारदा, वागदेवी, भारती, वीणा वादनी, है ना, ये सब आप कह सकते हो, यहां पर आप बी नहीं कह सकते। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 26 देखिए, सर्प, देखिए 26वां प्रश्न है, सर्प, सर्प को हम क्या सकते हैं? उरग, पनंग, अही, वृंद नहीं कह सकते। वृंद मतलब समूह होता ना, जैसे कवि वृंद, ये आप देखते हो, उरग हो गया, पनंग हो गया, अही हो गया, विषधर हो गया, है ना, विषधर हो गया, ये आप कह सकते हो, भुजंग कह सकते हैं,
लेकिन आप वृंद नहीं कह सकते, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहां पर से इसका मतलब समूह जन होता है, ठीक है। जैसे कवि का जब आप बहुवचन बनाओगे तो कवि वृंद होता है, ठीक है, इस तरीके से ध्यान रखना, कवि का कवि वृंद होता है। आगे देखिए अगला प्रश्न है, 27वां प्रश्न है, अतिथि अतिथि देवो भव। अब अतिथि का मतलब क्या होता है, पर्यायवाची है। देखो मदन नारायण अभ्यागत मधुकर, बहुत अच्छा प्रश्न है। नारायण किसको कहा जाता है आपको पता है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं अतिथि मदन किसको कहा जाता है, मदन मतलब कामदेव जो मैंने कल बताया था, मधुकर आप कह नहीं सकते, नारायण कह नहीं सकते, अभ्यागत यहाँ पर सही जवाब होगा। अतिथि का जो पर्याय के तौर पर यहाँ पर आपका क्या दिखेगा, पर्यायवाची है अभ्यागत, जिसके आने की तिथि ना ज्ञात हो वो अतिथि होता है, और जिसको ना बुलाया गया हो उसको हम अनाहुत कहते हैं, ठीक है। चलिए मधुकर नहीं होगा भाई, अभ्यागत है इसका सही जवाब। 29वां प्रश्न देखिए, बसंत है ना, बसंत इसका जवाब दीजिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। अगर हम बसंत की बात करते हैं, आप बसंत को ऋतुपति है ना, मधुमास भी कह सकते हैं, कुसुमाकर भी कह सकते हैं, कांतार हो गया, विपिन हो गया है ना, अरण हो गगया, ये सब जंगल के पर्यायवाची है, जंगल वन अरण ये सब कांतार ये सब जंगल के पर्यायवाची होते हैं। आप बसंत को जवाब आप ये नहीं कह सकते, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 बहुत ही शानदार प्रश्न है, 29 होगा। देखो पार्थ, पार्थ का पर्यायवाची है, आप कई बार आप देखते हो हे पार्थ। जब भगवान कृष्ण गीता में उपदेश देते हैं, किसको देते हैं उपदेश, अर्जुन जी को उपदेश देते हैं, तब कहते हैं हे पार्थ है ना, गुड़ा केस हे पार्थ। यहां पर आपका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, न तो श्री कृष्ण न भीष्म न युधिष्ठिर, अर्जुन इज द राइट आंसर, ठीक है, समझ गए आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, 30वां प्रश्न है, तर्कश, बहुत अच्छा प्रश्न है। तर्कश क्या होता है, एक तो धनुष होता है, और धनुष के जो बाण होते हैं वह तर्कश में रखे जाते हैं, ऐसे टोकरी नुमा होता है ना भाई, जो पीठ में लादे रहते हैं। तर्कश में कितने तीर हैं, आपकी तर्कश में कितने तीर हैं, ये आप एग्जामिनेशन में बताते हो कि आप पढ़ाई करके जाते हो। तर्कश का यहाँ पर पर्यायवाची शब्द बताना है, वीर है। प्रतिंचा क्या होती है, जब प्रतिंचा आपकी ये जो धनुष होती है, इसका जो बाण ये रस्सी होती है, इसको प्रतिंचा कहते हैं, ठीक है, और फिर यहाँ पर आप तीर लगाकर इसको मारते हो, तो यहाँ पर क्या हो गया, धनुष तो होगा नहीं, क्या होगा, बिल्कुल निशंग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। निशंग को हम क्या कहते हैं, निशंग को तर्कश कहते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31, शशांक, बहुत अच्छा प्रश्न है। शशांक, अगर हम शशांक देखेंगे तो सूर्य को कहेंगे नहीं, किरण है नहीं, बादल है नहीं, बचा क्या, चंद्रमा बचा, आप क्या लगाओगे, चंद्रमा लगा दोगे है ना, मेहताब है ना, चंद्रमा हो गया, मेघलांचन हो गया, शशांक हो गया, चांद हो गया, आपका ऑप्शन नंबर सी यहां पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो भाई नन्हे राय आप भी आ गए, स्वागत है। तो बिल्कुल शाम को 6:00 to 6:05 तक आप लोग क्लास में आ जाए करिए इस प्लेटफॉर्म पर, बिल्कुल जीएस भी हम पढ़ाएंगे, ठीक है। कल अगर आप या चलो कल अगर जीएस में पढ़ा दूं, चलिए कल देखते हैं, फिलहाल कल तो हमने आपको बोला था वाच पढ़ाने को है ना, चलिए कोई नहीं जीएस पढ़ा देंगे। कौन सा शब्द बादल, बादल आप देखोगे तो नीरद हो गया, मेघ हो गया, वारिधि और जलद क्या होगा बताओ भाई, वारिधि और जलद, तो वारिधि मतलब समुद्र होता है, इस बात को ध्यान रखना, वारिधि मतलब समुद्र, यही नहीं होगा इसका बादल का। जलद मतलब जल देने वाला, और जलज मतलब कमल, इस दोनों पंत रखिएगा, जलज और जलद श्रुति संभिन्नार्थक शब्द है, अक्सर कंफ्यूज करते हैं, तो वारिधि नहीं होगा, वारिधि समुद्र होता है, ठीक है जी हाँ। चलिए क्वेश्चन है अगला, फटाफट देखते हैं दोस्त, और जो छात्र अभी आ रहे हैं एक बार हम फिर से बता दें, आप यूपी पीसीएस की कंप्लीट तैयारी अन अकेडमी के साथ जुड़कर कर सकते हैं, सभी प्लेटफॉर्म से लोवेस्ट फीस में है ना, बहुत ही कम फीस में आप तैयारी कर सकते हो, ये सारे बैचेस हैं जिनकी डिटेल वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है 32 है, मोर, मोर मतलब मयूर हो गया, मोर मतलब नर्तक प्रिय हो गया,
मोर मतलब नीलकंठ हो गया, और एक मोर का मतलब यहाँ पर क्या लगा सकते हैं, कलापी लगा सकते हैं। क्या लगा देंगे, कलापी लगा सकते हैं, कलापी, नर्तक प्रिय, नीलकंठ, मयूर, ये सब मोर के पर्यायवाची होते हैं। ठीक है, चलिए क्या करें, ड्यूटी लग जाती है। चलिए कोई बात नहीं प्रेम देवी जी, ड्यूटी के बाद भी देख लिया करिए, जरूरी नहीं कि जैसे कि आप लोग लाइव नहीं आ पाते किसी कारणवश, तो वीडियो रिकॉर्डेड फॉर्म में आपके पास पड़ी होती है, तो बिल्कुल देखा करिए और बहुत अच्छी तैयारी होगी। ठीक है, आप लोग बताओ कल जीके के टॉप क्वेश्चन करा दूं 50 क्वेश्चन या हिंदी ही पढ़ा दूं। अब आप लोग बताओ कल क्या पढ़ोगे, टॉप 50 GS पढ़ोगे कि हिंदी पढ़ोगे, ये मैं पढ़ा दूंगा। ठीक है, आप लोग सोच कर कमेंट करना, क्योंकि क्लास मैं आप ही लोग के लिए लगाता हूँ भैया, आप ही लोग पढ़ने आओगे, है ना, और आप लोग की जो इच्छा होगी हम पढ़ा देंगे, नो डाउट। ठीक है, चले आगे, कमेंट करके बताइएगा हमें। ठीक है, GS पढ़ेंगे, सुनीत सैनी नंदे, चलिए GS पढ़ा देंगे बहुत अच्छे तरीके से। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 34 है, गेह, है ना, 34 देखिए गेह। अब गेह का शब्द का पर्यायवाची है, देखो गर्दभ, गधा, वैशाख, नंदन, वो सब है। ठीक है, यहाँ पर गेह का मतलब क्या होता है, आलय, सदन, निलय, आलय होता है, सदन होता है, आवास होता है, निलय होता है, और गृह होता है, साथ ही साथ इसका वासन भी होता है, जहां पर वास किया जाता है। ठीक है, वास, निवास, ठीक, वासन भी होता है। गर्दव गधा हो गया, गाय का होता, गाय, व्योम मतलब आकाश, है ना, व्योम अंतरिक्ष, व्योम व्योम व्योम। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, इनमें से कौन सा शब्द किरण का पर्यायवाची शब्द नहीं है, किरण। अब आप देखिए नहीं है, नहीं पूछ रहा है, कमेंट करके बताएं। जीके GS की प्रैक्टिस करा दे रेहान, चलो भाई कल जीके GS लगा दूंगा, धमाकेदार प्रश्न कराऊंगा, रिवीजन क्लास के तौर पर भी लीजिएगा। ठीक है, मनोज राठी परेशान मत हो यार, PDF मिलेगी, है ना, बन रही है करंट वरेंट वाली। ठीक है, देखो यहाँ पर रश्मि दीप्ति, पुष्कर नहीं लगा सकते, पुष्कर मतलब तालाब, तड़ाग, ये सब आपका होता है ना, जलाशय। चलिए 36 सिंह का पर्यायवाची है, बहुत अच्छा प्रश्न है, सिंह का पर्यायवाची है, पर्यायवाची है सिंह का। देखो सिंह को हम क्या कहते हैं, सिंह को हम क्या कह सकते हैं, बहुत अच्छा प्रश्न है, पंचानंद भी कहा जाता है शेर सिंह को, ये ध्यान रखना, ये है पंचानंद भी बोला जाता है, सिंह का पर्याय पंचानंद। ठीक, इस तरीके से ध्यान रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन नंबर C करेक्ट होगा। चलिए आगे देखिए, कुछ प्रश्न और है, 37 है, स्वर्ण, स्वर्ण का मतलब आपका कनक हो गया, है ना, ये आपका क्वेश्चन नंबर है 37 है, और स्वर्ण का मतलब कनक हो गया, काना, कुंडल हो, वो हो गया आपका। ठीक है, और यहाँ पर आप देखोगे जात रूप, जात रूप का मतलब सोना होता है ना, जात रूप का मतलब सोना होता है, ये भी होता है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर। इकोनॉमिक की क्लास, चलिए कल के क्लास में इकोनॉमिक्स भी इंक्लूड रहेगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, खास तौर से इंडियन इकोनॉमिक्स के जो एग्रीकल्चर का सेक्शन होता है, जिसमें की योजनाएं हो गई, ठीक है, पंचवर्षीय योजना हो गई, केंद्र सरकार की योजना हो गई, साथ ही साथ जितनी भी क्रांतियां हुई थी, कौन सी रबी की फसल है, खरीफ की फसल है, उनके सेक्शन को इंक्लूड करूंगा, यहीं से आपके ज्यादा क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, तो कल वाली क्लास मिस मत करिएगा। 38 देखिए, भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है, भ्रमर, भ्रमर मतलब क्या होता है भाई, भंवरा होता है, षटपद होता है, ये चीज ध्यान रखिएगा, है ना, लेकिन चंचरिक भी होता है, सिलीमुख होता है, द्विरफ या द्विरेध क्या नहीं होता है, कमेंट करके बताएंगे। द्विरथ मतलब हाथी, ठीक है, ये याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ये करेक्ट होगा, ये द्विरेफ होता है, ये हाथी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या होगा, डी इज द राइट आंसर। ठीक है, सिलुमुख भी होता है भाई, षटपद भी होता है, ये भी ध्यान रखना। अब षटपद ये मत ध्यान रखना कि मकड़ी उकोड़ी शब्द है, षटपद मतलब भंवरा होता है, ठीक है, मिलिंद मतलब भंवरा होता है। 39 देखिए, आग, आग का पर्यायवाची है। 39वां प्रश्न, देखो आग का पर्यायवाची आप क्या लगा सकते हो, सैंधव मतलब तो नहीं होता, पुंडरीक हो गया, शक्र,
वैश्वानर क्या होगा, कमेंट करके बताइए। 39 बिल्कुल, देखिए यहाँ पर आपका वैश्वानर होता है आग का, अग्नि हो गया, हुताश्र हो गया, दहक हो गया, पावक हो गया, वायु सखा हो गया, ये सब आपके आग के पर्यायवाची होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 40 है, बहुत अच्छा प्रश्न है, 40वां प्रश्न है। देखिए इस प्रश्न में क्या कहता है, इनमें से हनुमान जी का पर्याय नहीं है। तो भाई हनुमान जी का पर्यायवाची में हम क्या नहीं कह सकते, पवन सुत कह सकते हैं, कपि मतलब बंदर होता है, बंदरों को ईश्वर कपीश्वर हो जाएगा, बजरंग बली हो जाएगा, अंजनी पुत्र भी कह सकते हैं, लेकिन हम राम भक्त नहीं कहेंगे। राम भक्त हनुमान जी के पर्याय के तौर पर नहीं प्रयोग होता है। राम भक्त कोई भी हो सकता है, शिव भक्त कोई भी हो सकता है, लेकिन पर्टिकुलर अगर हम देखें तो बजरंग बली नहीं कह सकते। ठीक है, हम भी हैं राम भक्त, आप भी हो सकते हैं राम भक्त। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए 41 की ओर। मरकट, मरकट क्या है भाई, 41 मरकट मतलब शाखा मृग है ना, शाखा मृग, चलो बता दिया भैया, शाखा मृग मरकट मतलब। अब यहां पर देखेंगे जल होगा नहीं, यहां पर क्या है, पानी है, तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा, बंदर हो जाएगा, कर मरकट बंदर, कपि है ना, कपि ये भी होता है आपका, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए कुछ और प्रश्न है, एक दो कर लेते हैं, फिर कल मुलाकात होगी। जल निधि, जल निधि 42 देखिए। देखो जल निधि का मतलब क्या होता है, सागर होता है ना, जल निधि इसका मतलब समुद्र होता है, सागर होता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। आगे देखिए अगला प्रश्न है, 43 है, पत्थर का पर्यायवाची नहीं है। 43वां प्रश्न क्या कहता है, पत्थर, देखो पत्थर का मतलब प्रस्तर, पशम, उपल, पाहन भी होता है, आप पशम नहीं कह सकते। ठीक है, पशम ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, पशम नहीं कह सकते। ठीक है, पशम ये नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए मेधावी है, तो 43 है, मेधावी आप देखोगे तो मेधावी का जो पर्याय है, आप मेधावी के तौर पर एक प्रतिभाशाली कह सकते हो कि वह बहुत ही प्रतिभाशाली है, वह बहुत ही मेधावी है। आप यहाँ पर विद्वान मेधावी के तौर पर नहीं प्रयोग कर सकते, विचारशील ना निष्ठावान कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से फिलहाल आज की क्लास को यहीं पर एंड करते हैं और आपसे कल मुलाकात करेंगे टॉप 50 प्रश्नों को लेकर जीके जीएस, जिसमें कि इंडियन इकोनॉमिक्स का पोर्शन 20-25 क्वेश्चन में रखूंगा, जहां से आपके अगर इकोनॉमिक सेक्शन से क्वेश्चन बनता है, चाहे वो योजना से क्वेश्चन हो, चाहे आपका क्रांतियों से क्वेश्चन हो, हरित क्रांति, नीली क्रांति, धूसर क्रांति, यहां से प्रश्न बनते हैं। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच, क्लास कैसी लगी बताइएगा। और अनअकैडमी पर कोर्सेस चल रहे हैं, आप कोर्सेस ले सकते हो, UPPCS की कंप्लीट तैयारी मात्र 7000 रुपए में। आप इस रेफरल कोड का प्रयोग कर सकते हैं सक्सेस मंत्रा, जिस पर कि आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा, लाभ ले सकते हैं। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं आपसे फिर कल, कल होगी GS की क्लास, समान अध्ययन धमाकेदार क्लास। ठीक है, सफर का अंत अभी नहीं हुआ है, अभी सफर में विराम लगा है। ठीक है, नन्हे राय, सफर का अंत तब होगा जब आपका एग्जामिनेशन हो जाएगा, तो वीडियो री एग्जाम का फिर सफर समाप्त हो जाएगा, अभी तो सफर में एक विराम ले रहे हैं, अल्प विराम है, कल फिर से सफर जारी रखेंगे। ठीक है, तब तक आप लोग अन्य चैनलों पर सफर जारी रखिए और हम चलते हैं, हम आपको इस चैनल पर मिलेंगे कल फिर। ठीक है, सफर चलता रहेगा और बिल्कुल बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए। चलिए PN कुशवाहा जी, थैंक यू, मिलते हैं आपसे फिर अगली क्लास में, थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिए अपना, पढ़ते रहिए, लास्ट समय है, समय को वेस्ट मत करिए, एक एक पल बहुत ही कीमती है, जो आपको एग्जामिनेशन में जब 120 मिनट मिलेगा तब आपको समझ में आता है कि समय कितना जल्दी गुजर गया है। 120 मिनट में जब घंटी बजने को हो जाती है, वार्निंग बेल लग जाती है, तब तक आप लगता है कि यार छूट रहा है, काश हम थोड़ा समय बचा लिए होते, सर्किल को डार्क कर लिए होते, है ना। चलिए थैंक यू, टेक केयर, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मिलते हैं आपसे फिर कल अगली क्लास में, थैंक यू।